इस गांव में हमको इंसानों से ज्यादा कुत्ते मिले। पानी नहीं है, एक दूसरे को गिनना है। एक बार टेलिंग बना में, तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे कलजोरी आए और मैंने आपको यहाँ पे रूम टूर भी दे दिया हमारा जो कॉटेज है उसका। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो चलो बाहर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अभी ट्रैकिंग करने वाले फोर्ट्रेस की तरफ। और व्यू बहुत प्यारा व्यू देख सकते हो आप मेरे पीछे, और मेरे साथ है ये मेरे तीन चमन दोस्त, एक तो पिंक हुडी जिसने अभी तक चेंज नहीं किया, और रुक जाओ ये मानू, अब वो है जस्सी, कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो चुका है सुखी। तो ये हमारे पीछे कॉटेज है, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो भी जाके पिछला वीडियो फटाफट से देख लो। और ये वाला अभी स्टार्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं ढूंढ रहे, अभी गांव को एक्सप्लोर करते हैं और एरिया भी एक्सप्लोर करते हैं सारा। बहुत सारा ठंड है आज काफी ज्यादा। फोर्ट्रेस। ये देखो पिंक सिटी। तो फॉरेस्ट थोड़ी है। ओके, तो यहाँ से देखा है हमने कजोरी फोर्ट्रेस 4 किलोमीटर पे। चलो ट्रैक है, रास्ता बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। कितने ये देखो, ये देख चुके थे, अब सही रास्ते पे आ चुके हैं गूगल के द्वारा। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे देख सकते हो, ये जस्सी भैया मैं पूरे बर्फ़ में हो चुके हैं गिरने की वजह से। हाँ हाँ, घर बहुत प्यारा लग रहा है यार। और आज क्या मानू, क्या आसमान है रे, क्या आसमान है रे कहाँ पे है, क्या आसमान है रे कहाँ पे, वो देख यही वो जगह जहाँ जस्सी गिरा था। देख सकते हो पूरा खड्डा कर दिया इसने। तो काफी देर ये गूगल का गलत रास्ता बताने के बाद हमने खुद पूछताछ की तो फिर हम फाइनली सही रास्ते पे आ चुके हैं। कुछ यहाँ का ऐसा व्यू है, हवा बहुत तेज आ जाए, आवाज आ रही है। और ये यहाँ का व्यू है, ये बादल है, ये हम है और ये हमारी पिंक हुडी है। वैसे पिछले आधे घंटे से इस गांव में घूम रहे हैं पर हमको गांव में एक बंदा नहीं दिख रहा है। एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, बंदा बाहर चीख चीख के मर जाएगा फिर भी कोई नहीं आएगा। देख लो कोई बंदा नहीं आसपास, कोई सिर्फ घर पड़े और सुनसान से और बर्फ ही बर्फ। और जैसे क्या कैसा लग रहा है, ये हमारा न्यू लोगर कमिंग सून आ रहा है भाई, पीबीएक्स राइडर। 12 सेकंड्स लेटर, ये हमारा नॉन वेज ट्रैवलिंग बंदा। ठंडी है और पिंक हुडी छटी है, ठंडी है भैया। ओ
अभी हम 30% रास्ता कवर कर चुके हैं और रॉबिन की हालत ख़राब हो चुकी है, मतलब पिंक हुडी सॉरी, और देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कोशिश तो करेंगे कि पूरा ट्रैक कर ले, मैं तो करूँगा वैसे, इनको छोड़ दूँगा रास्ते में। ओह आपको यहाँ से तिबलिसी भी दिखा देते हैं, ये दूर तिबलिसी दिख रहा है, वैसे आपको दिखेगा नहीं यहाँ सही से, पॉइंट से दिखेगा आगे, पॉइंट से दिखेगा सही से, हाँ फोर्ट्रेस से दिखेगा आगे। और यहाँ से अपन तिबलिसी भी जा सकते हैं ट्रैकिंग करके, पर ये गर्मियों में, सर्दियों में तो हालत ख़राब हो जाएगी, प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। कपड़े वपड़े शूज़ ले लिए मैंने भाई, नए शूज़, ये नए शूज़ लिए अपन ने ट्रैकिंग के लिए, बर्फ़ के लिए। आज धूप बहुत प्यारी है, इस वजह से बढ़िया मज़ा आ रहा है चलने में, वरना तो बढ़ रहा थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी सब जगह, बर्फ 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 है। वो है क्या? हाँ वो रहा रास्ता दिख चुका, हाँ वही वही दिख चुका है शायद, आप नहीं दिखेगा, आपको इसमें नहीं दिखेगा, GoPro नहीं दिखेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा कैमरा, करेंगे करेंगे, तो वहाँ जाके दिखाते हैं आपको सीधे। और कल बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने वाली, इसलिए हमने सोचा कि हम आज ही ट्रैकिंग कर लेते हैं, कल हमसे ना हो पाएगा, कल हमसे ना हो पाएगा, तुमसे आज भी ना हो पा रहा है बेटा, कल क्यों नहीं आएगा, वही वो अलग बात है। प्लीज़ गाइस कमेंट में लिख के बताओ कि हमारे पिंक हुडी है जो कर पाएंगे आज या नहीं कर पाएंगे, हम कंप्लीट कर पाएंगे नहीं, क्या लगता है? अभी कमेंट आ गया। एक बहुत प्यारी चीज़ दिखाता हूँ जॉर्जिया की आपको, देख सकते हो कितनी ठंड है, कितना सुनसान एरिया है, यहाँ पे कोई लोग नहीं रह रहे, पर वो देखो मेरे पीछे सफाई वाले आ रहे हैं, और इस एरिया में भी सफाई हो रही है, तो सफाई का ये काफ़ी ध्यान रखते हैं गाँव जगह, तो सफाई का काफ़ी ध्यान रखते हैं यहाँ पे, और क्लीननेस पे काफ़ी वर्क करते हैं। देख सकते हो पूरा एरिया कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, और वो इंसान सफाई कर रहा है यहाँ पे, हैट्स ऑफ जॉर्जिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कचरा नहीं है, है कचरा, पर लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं, और गवर्नमेंट भी यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखती है कचरे के बारे में। चलो अब हम चलते हैं हमारे मिशन की तरफ। बहुत ज़्यादा तेज चल रही है आज यहाँ पे, वैसे जितना हमने काम किया स्पॉट के यहाँ पे रहने की जगह तो काफ़ी सारी है, पर फिलहाल कोरोना की वजह से आई गैस या फिर ऑफ सीजन इस वजह से बंद है। इस गांव में हमको इंसानों से ज़्यादा कुत्ते मिले, तो यहाँ से आप विलेज कीखे थी के लिए भी ट्रैकिंग कर सकते हैं, या गुबानी के लिए भी, एजुला फोर्ट्रेस यहाँ से 1 किलोमीटर और है। ओके तो मानू भैया हम अभी गिर चुके थे, ये पहले से प्रोटेक्शन ले रहा है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए था। अभी फिलहाल बहुत गंदे थक चुके हैं, GoPro का कैमरा बंद हो चुका है, यहाँ पे ना कोई बंदा है ना बंदे की जात है, पूरा सुनसान पड़ा है, बस ये 3 जमूरे हैं और जा रहे ट्रैकिंग पे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये वो इंसान है जिसने हमको पूरी ट्रैक में तंग किया है, इतने फोटो खिंचाए इस इंसान ने, इतने फोटो खिंचाए हद से ज्यादा, मुंह क्या छुपा रहा साले, मुंह क्या छुपा रहा आप। देखो ध्यान से देखो, ले रुक जा, तेरा यूट्यूब पे फेमस करते थे, बहुत फोटो खिंचाए का शौक है ना तेरे को। ओके तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये यहाँ पे जब उस टाइम पे जब वार हुआ था रसिया और जॉर्जिया के बीच में, तो जो लोग शहीद हुए थे उनको यहीं दफनाया गया था, और यहाँ पे स्मृति चिन्ह भी बने हुए लिखा हुआ है, पर जॉर्जिया में लिखा हुआ है मोस्टली। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, बहुत तेज़, उसकी वजह से हमको काफ़ी टाइम लग रहा है चढ़ने में। चलो चलते और आगे आपको दिखाते हैं। अभी हमको जाना है सीढ़ी खड़े, सीधी चढ़ाई पे चढ़ना है, ये वॉलंटियर हमारे, ओए हाँ स्लिप होते आएगा सीधा, फिसलन बहुत ज़्यादा है क्योंकि बर्फ थोड़ी सी स्नो में कन्वर्ट हो चुकी है, आइस जो है। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? ओह सॉरी सॉरी, स्नो जो है
स्नो जो है वो आइस में कन्वर्ट हो चुकी है, तो उसकी वजह से स्लिपरी हो गया थोड़ा। ये हमारा सेनापति, ये किला जो हमें फतेह करना है, और वो एक आलसी सैनिक है जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। आई नीरा आई नीरा। और ये व्यू, और यहाँ से आपको तिबली से दिखो, वो देखो आपको जो छोटे छोटे बिल्डिंगें दिख रही है ना सबसे पीछे पहाड़ की, वो है तिबली से। ये है जन्नत भाई, जन्नत। ओए होए होए होए, आज किला फतेह करके रहेंगे ब्रो। अपना ही है, आज झंडा फहरा के रहेंगे इंडिया का। सैनिक तू है भाई। पूरा वर्थ है ट्रैकिंग करना, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से और बहुत सही मजा है यार। शांति से बैठो, आराम से व्यू को एंजॉय करो। ओहो रॉबिन भैया फंस चुके अंदर। गलत जगह घुस गए, गलत जगह टांग डालने की आदत है इसको। तो एक और चीज पता चली इस फोर्ट्रेस के बारे में कि ये जो पहाड़ है ये लावा की वजह से बना हुआ, वोल्केनिक इरक्शन की वजह से, और 1100 के अंदर इसको बनाया गया था, तो बहुत सारे अटैक हुए थे, इसको तो पूरा तोड़ ही दिया गया है। अभी देखते हैं ऊपर चढ़ने का क्या सीन है। यहाँ पे छोटा सा रास्ता दिख रहा है, पर बेसिकली रास्ता नहीं मिल रहा है इसके ऊपर जाने का, और ऊपर जाने का रास्ता है भी कि नहीं कोई आइडिया नहीं है, तो ढूंढते हैं। हाई बहुत तेज चल रही है उसकी वजह से। वैसे यही मेरे ख्याल से व्यू पॉइंट है, बहुत व्यू तगड़ा व्यू यहाँ से, ये देखिए। और मैं कोशिश करता हूँ आगे जाने की, देखता हूँ कुछ है कि नहीं, वो तो वहीं पीछे रुक चुके हैं। ये यहाँ पे खाई है, ये सीढ़ियाँ बनी हुई ऊपर जाने के लिए वहाँ तक, पर हवा बहुत तेज़ है यार। चलो मैं जाके देखता हूँ, बहुत पतला सा है ये। डेफिनेटली मैं गर्मी में वापस आऊँगा, अभी क्या थोड़ा स्लिपरी है इसकी वजह से थोड़ा सा हुआ चक्कर है। हवा बहुत तेज़ है तो ऊपर जाना तो कोई फ़ायदेमंद है नहीं उस हिसाब से। तो अभी चलो यहाँ से निकलते जाते अपनी कॉटेज, कुछ खाने का पीने का ले लेते। ऑल राइट, तो अभी बैटरी ज़्यादा है नहीं, तो अभी सीधा नीचे जाके आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, अलविदा, खुदा हाफिज़, मिलते हैं अभी नीचे जाके।